हेलो स्टूडेंट्स, आई एम इंद्रजीत कौर फ्रॉम हाई स्कूल मंडीगांव। आज हम जूलियस सीजर का आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। रोमन्स एंड कंट्रीमैन ब्रूटस जो है अपनी स्पीच स्टार्ट करता है। यू मे नो हियर माय एक्सप्लेनेशन Why Brutus rose against Caesar? आप ये सुनो, मैं अब वो ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों ब्रूटस सीजर के अगेंस्ट हो गया। This is my answer, ये मेरा जवाब है। Not that I loved Caesar's less, मैं सीजर से कम प्यार नहीं करता था। But that I loved Rome more, मगर मैं उससे ज़्यादा लेकिन रोम को प्यार करता था। Would you rather have Caesar living and die as slaves? क्या आग अगर सीजर जिंदा रहता तो क्या आप उसके गुलाम बन के रहते, और सीजर डेड एंड लिव एज फ्री मैन। सीजर की डेथ हो गई है, अब आप लोग फ्री मैन आज़ाद आदमी की तरह रहो। सीजर लव्ड मी, सीजर मुझे भी प्यार करता था। आई वीप फॉर हिम, मैं रोता हूँ उसके लिए। एज ही वॉज फॉर्चुनेट, आई रिजॉइस एट इट। एज ही वॉज ब्रेव, वो बहुत बहादुर था। आई ऑनर हिम, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। बट एज ही वॉज एम्बिशियस, अब उसकी ख्वाहिशें बढ़ती जा रही थी, तो मैंने आई किल्ड हिम, मैंने उसे मार दिया। देयर आर टीयर्स फॉर हिज लव, उसके प्यार के लिए आंसू हैं। जॉय फॉर हिज फॉर्चून, फॉर्चून ऑनर फॉर हिज ब्रेवरी, इज्जत है उसकी ब्रेवरी के लिए। एंड डेथ फॉर हिज एम्बिशन, और मौत है उसकी ख्वाहिशों के लिए। आई विल फिनिश विद दीज वर्ड्स, मैं इन लफ्ज़ों के साथ अपनी स्पीच ख़त्म करता हूँ। आई किल्ड माई बेस्ट फ्रेंड फॉर द गुड ऑफ रोम, मैंने रोम के लिए, रोम के अच्छाई के लिए अपने प्यारे दोस्त को मार दिया। बट आई हैव द सेम वर्ड फॉर माई सेल्फ, मगर यही तलवार मेरे अपने लिए भी है। वेन इट शल प्लीज माई कंट्री टू नीड माई डेथ, अगर मेहरबानी करके मेरी कंट्री को मेरी ज़रूरत होगी, मेरी डेथ की ज़रूरत होगी, तो यही तलवार मेरे अपने लिए भी होगी। दिस मूव्ड द पीपल टू एडमिरेशन एंड दे चीयर ब्रूटस, वो ब्रूटस के लिए खुश हो गए। न्यू नाउ मार्क एंटोनी रोज टू स्पीक, अब मार्क एंटोनी जो सीज़र का दोस्त होता है वो उठता है। फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लेट मी योर ईयर्स, आप अब मुझे सुने। आई केम टू बड़ी सीजर, मैं आई कम टू बड़ी सीजर नॉट टू प्रेज हिम, मैं उसकी तारीफ नहीं करता हूँ। द इवन दैट मैन डू लिव लिव्स आफ्टर देम, द गुड इज ऑफन बरीड विद देयर बोन्स, सो लेट इट बी विद सीजर। ही पॉज्ड एंड लुक्ड सॉरोफुली एट द रोमन पीपल एंड देन वेंट ऑन, ये कुछ बातें कहकर वो वहाँ से चला जाता है। द नोबल ब्रूटस हैड टोल्ड यू सीजर वॉज एम्बिशियस, ब्रूटस ने आप लोगों से कहा कि वो एम्बिशियस था। इफ दिस इज सो देन इट वॉज अ टेरिबल फॉल्ट एंड टेरिबली हैज सीजर आंसर फॉर इट, तो सीजर को इस चीज़ का जवाब मिल गया। अगर उसके दिल में ख्वाहिशें थी, एम्बिशियस थी। I have come with Brutus permission to speak at Caesar's funeral. Caesar was my friend, faithful and true to me. वो मेरा सच्चा दोस्त था, प्यारा दोस्त था। मैं ब्रूटस की परमिशन से यहाँ पे बोलने आया हूँ सीजर के फ्यूनरल पे। But Brutus says he was ambitious. ब्रूटस ने कहा कि वो ambitious है। And Brutus is an honorable man, और वो honorable man है। सीजर वॉज ऑलवेज काइंड एंड जेनरस टू द पुअर, सीजर और हमेशा एक अच्छा आदमी और गरीबों के लिए बहुत अच्छा था। ही ऑलवेज फेल्ट ग्रेट लव एंड पिटी फॉर देम, उसके दिल में हमेशा प्यार और नरमी होती थी गरीब गुरबातों के लिए। श्योरली एम्बिशन शुड बी मेड ऑफ harsher stuff, but Brutus says he was ambitious. Brutus ne kaha ki wo ambitious hai, and Brutus is an
ऑनरेबल मैन और ब्रूटस एक ऑनरेबल आदमी है. यस्टरडे एट द गेम्स यू ऑल सा मी ऑफर हिम ए किंगली क्राउन. सबने देखा. विच ही थ्री टाइम्स रिफ्यूज्ड. तीन बार उसने रिफ्यूज़ किया था. आपने देखा कल के गेम्स में उसे ऑफर किया गया था किंगली क्राउन, बादशाह का क्राउन, जो उसने तीन बार रिफ्यूज़ किया. वाज दिस एम्बिशन, ये उसकी ख्वाहिश थी. येट ब्रूटस सेज ही वाज एम्बिशियस. और ब्रूटस ने कहा कि ये अभी भी ब्रूटस कहता है कि वो एम्बिशियस था. एंड ब्रूटस इज़ एन ऑनरेबल मैन. और ब्रूटस एक अच्छा आदमी है, ऑनरेबल मैन है. एंड नाउ द रोमन्स मूव्ड बाय हिज वर्ड्स बिगिन टू टर्न अगेंस्ट ब्रूटस. और वो ब्रूटस की तरफ मुड़ता है. देयर इज ट्रूथ इन व्हाट एंटोनी सेज. ये सच्चाई थी जो एंटोनी ने कही. दे सेड टू ईच अदर. उन्होंने एक दूसरे से कहा, सीज़र हैज़ बीन ग्रेटली रॉन्ग्ड. रिमेंबर ही वुड नॉट टेक द क्राउन. उसे गलत समझा गया, वो ताज नहीं लेने वाला था. देयरफॉर इट इज़ सर्टन ही वॉज नॉट एम्बिशियस. वो एम्बिशियस नहीं था. एंटोनी वेंट ऑन टू से दैट ही कुड स्टेयर देयर हार्ट्स टू हेटेड द एंड एंगर बट ही प्रिटेंडेड दैट ही डिड नॉट विश टू डू सो. Because I should wrong the honorable man whose words have killed Caesar, the people now wholly on his side. सारे लोग इसकी तरफ हो गए. Shouted honorable man. They were wicked murderers. ये wicked murderers हैं, खूनी हैं. एंटोनी की इस स्पीच से क्या होता है कि ये सारे जो लोग हैं, जो पब्लिक होती है, रोमन्स होते हैं, ये सब एंटोनी की तरफ हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो ब्रूटस ने किस तरह से सीज़र को मार दिया. और ये अभी भी कहता है कि ये ऑनरेबल मैन है, ये ऑनरेबल मैन है. ये सब मिलके पार्टी के जो बाकी मेंबर्स होते हैं उसको मार देते हैं. एंड एंटोनी फिर आगे कहता है, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.